वेलकम टू बग करण राजदान आज जिसके साथ हम मिलने जा रहे हैं उन्हें देखकर मैं अक्सर कह देता हूँ जय श्री राम लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स दैट्स दीपिका चिकालिया जी एंड गुड फ्रेंड एंड अ कलीग साथ में काम भी किया है आ, हिंदुत्व में लेकिन yeah. uh, मेरा ख्याल है हिंदुत्व तो आज है uh, हम बात करेंगे uh, कि ये रामायण कैसे uh, मतलब हाउ डिड इट हैपन रामायण आई डोंट नो हाउ टू प्लेस दिस ओके अब मैं शुरू से बताती हूँ आपको सो so, uh, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस में आई वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड उसके बाद राष्ट्रीय प्रोडक्शन वाज डूइंग टेलीविजन सीरीज तो उसके लिए मैं नटराज स्टूडियो शूट करने गई थी एंड ऑब्वियसली ये होता है कि भाई आपको उन्होंने ब्रेक दी हैं तो यू डोंट से नो टू देम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इट्स अ टेलीविजन सीरीज तो मैंने uh, उस सीरीज़ की एंड uh, वहाँ पे झुगल करके uh, जुगनू करके एक कैरेक्टर एक्टर हुआ करते थे उस टाइम पे इफ़ यू रिमेंबर छोटे छोटे रोल्स करते थे उसने हिज नेम वाज जुगनू वेरी फेयर गाय लाइट गाइज तो ही जस्ट वॉकड अप टू मी वो भी वो सीरियल में कर रहे थे तो क्या करें आपने खाना खा लिया मैंने कहा जी मैंने खाना खा लिया चलिए ना मैं आपको मिलाता हूँ रामानंद सागर की ऑफिस यहाँ है शक्ति सामंता यहाँ पे है तो पता चला रामानंद सागर के ऑफिस में उनके बेटे हैं तो आई मैंने कभी ये किया नहीं है बट ही वॉज सो इन टू टेक मी एंड इंट्रोड्यूस मी टू पीपल तो मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं ना हाई हेलो करने में क्या है एंड मै बैकग्राउंड इज नॉट फिल्म तो मुझे ये बहुत जरा अजीब, अजीब सा लगता है right <laughs> खैर मैं उनके साथ गई वहाँ पे प्रेम सागर जी थे आनंद सागर जी थे एंड uh, आनंद जी ने इमीजिएटली मुझे देख के कहा कि हाँ मुझे पता है आपने सुनमेई लैला की हैं आपने हेरोइन का रोल किया आप सीता जी बनेंगे क्या तो ऐसा सीता जी कहाँ पे क्या है सो ही सेंगे सीरियल करेंगे सो एवरीबडी हैज अ डाउट कि कोई किसी को सीरियल नहीं करनी थी ना उस टाइम पे सो आई कुड नॉट से नो क्योंकि मैं सीरियल की शूटिंग के लिए आई थी सो <laughs> so, मैं मना नहीं कर सकती थी तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कह दिया हाँ वाई नॉट एंड प्रेम सागर जी जिसके साथ मैंने अभी वैष्णो देवी की ही सेड मैंने तो जब देखा ना मुझे पता चल गया कि ये मेरी सीता है आई हैव नो आइडिया हाउ ही फेल्ट अबाउट इट एंड उसके uh, बाद uh, छः महीने तक दे वज़ नो कॉल्स नथिंग मैं भी भूल गई कभी मैंने फ़ोन नहीं किया उनका भी कभी फ़ोन नहीं आया एंड देन वन फाइंड या कॉल फ्रॉम सागर्स एंड ऐसा हाँ हाँ हम लोग मिले थे वो कुछ सीता जी का कुछ अब बता रहे थे इसी नहीं नहीं अभी हम लोग ये शुरू कर रहे हैं uh, दादा दादी की कहानी अच्छा हाँ तो मैंने कहा अरे यार ये तो अगेन दिस इज़ अ सीरियल ओनली तो आई डेंट नो वट टू डू आई वॉज ऑल्सो फिक्स सो दैन ऐसे कितने दिन का है इसे सिर्फ दो दिन का है ऐसे ठीक है ना दो दिन में डजेंट मैटर माई डेट्स पर टोटली फ्री तो मैंने किया दे वर वेरी हैप्पी विथ माई वर्क आई ऑल्सो लव्ड वर्किंग इन द यूनिट बहुत अच्छे लोग वेरी कॉपरेटिव एवरी थिंग आई से मतलब यू नो हाँ 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 होता था सो ये एक दूसरी है

तो उनको ये था नहीं आप करो मुझे नहीं करनी थी मैंने कहा यार ये तो अभी बहुत यू you नो know, वो आम्रपाली वाले कपड़े पहनो वो सब पहनो एंड <laughs> दादा दादी में तो ये था कि फिर भी कभी मैं गरीब बनती हूँ कभी बूढ़ी बनती हूँ सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैंने डबल uh, रोल किया नागिन का किया सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग ये मैंने कहा विक्रम बेताल में तो वो मुकुट वुकुट पहन के इतनी गर्मी में आई सर बहुत डिफिकल्ट है क्रोमा करो सो so मैंने पहले तो मना किया आई सर नो आई डोंट थिंक आई एम कम्फर्टेबल डूइंग ऑल दिस सो देन पापा जी आए मेरे पास सागर साहब सागर साहब ये तो मोती का कर रही है तो प्रेम का क्यों मना कर रही है आई मीन आई नो वैलिड रीजन इट अ वेरी लेम एक्सक्यूज सो मैंने कहा नहीं नहीं जरूर करेंगे सो देन आई शिफ्टेड आई वाज डूइंग साउथ मूवीज आई शिफ्टेड डेट्स आगे पीछे थोड़ी डेट्स की विक्रम बैताल शुरू कर दिया अच्छा व्हेन वी वर डूइंग विक्रम बैताल बंगले में ही शूटिंग होती थी उनकी 11th रोड जूहू पे सो आई सो लॉट ऑफ चिल्ड्रन कमिंग तो मैंने कहा क्या इकट्ठा you know, uh, you know, करके वो नर्सरी खोल देते हाउस अच्छा हाँ बहुत चलता था उस टाइम पे सो आई थॉट समथिंग लाइक नहीं लव कुश की शूटिंग हो रही है सो दैट आई रिमेम्बर हाँ आप आए थे मेरे पास सीता के लिए तो नाउ यू नॉट डूंग डूइंग लव कु पता नहीं कुछ तो कर रहे हैं लेकिन अभी

यू नो वॉट आई लुक लाइक सो आई सब वाई शुड आई डू एयर ऑडिशन एंड फिर लंच के टाइम पे हम लोग सब फैमिली लंच के साथ बैठते थे, थे लंच के लिए टोल पापा जी uh, मैंने कहा हरी भाई वो सिंह आईडि सो हाँ तुमको तो करने की जरूरत ही नहीं धनी सर एक काम करो तुम दे दो अच्छा तो आई सर अरे बट दिस इज तो वेरी वियर्ड यू सीन मीन द तो कॉस्ट्यूम मेकअप एवरीथिंग एवरी डे आप टेलीकास्ट में बैठते हो एडिटिंग में बैठते हो इसी नहीं दो ना क्या फर्क पड़ता है ही थ्रू फाइव टू सिक्स स्क्रीन टेस्ट या एंड लास्ट में ये था एक लंबा चौड़ा सीन था एंड आए गए एंड मेंटली सोच लिया था वेस्ट टाइम क्योंकि इन बिटवीन मेरी शूटिंग में से वो लोग मुझे बुला बुला के ऑडिशन करवाते थे सो आई नाउ बस दिस इज इट यू नो एंड द मोमेंट आई के मेन इट वॉज अफुल सी एंड उस टाइम पे तो यू नो इट वॉज वेरी नेचुरली टीर्स आ जाते थे बिकॉज फ्लो ऑफ वर्क वॉज वेरी कॉन्स्टेंट And uh, I went there, and he said, "Cut." And he said, "Sita. Mujemiri, Sita." Mil and that is how it happened. Wow. Yeah. yeah. <laughs> this is how it happened. Long, long, very twisted journey. Yes. Actually speaking. And then of course, uh, and achha, uske paad, the first episode was Vishnu and Lakshmi. अच्छा। तो विष्णु जी थे हेमा जी के कोरियोग्राफर बने थे ब्लू कलर के पूरे आसन पे थे उमरगांव लेकर गए पंद्रह दिन हमने शूटिंग की फॉर दैट वन पायलट एंड वो पैर दबा रहे हम लोग पंद्रह दिन तक मैंने कहा यार तुम्हारे पैर गल जाएंगे विष्णु जी <laughs> के विष्णु जी के पंद्रह दिन तक हमने पैर दबा रही थी

तो दो एक पिक्चरें कर रहे थे अरुण गोविल जी के साथ हाँ। तो ये अरुण जी मिला करते थे अच्छा। और uh, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि बहुत इनसेंट ह्यूमन बीइंग है हाँ. मतलब बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट या या पर्सन या तो वो uh, मुझे लगता है कि अब जी की कृपा हो गई आप हाँ, दोनों पर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समथिंग वर्क्स एक्चुअली चलिए रामायण के टाइम पे मैं एक, uh, एक मेरे तो नहीं लेकिन मेरी मम्मी के फ्रेंड के गुरु जी थे वो ऑल्सो डि आयुर्वेद तो कुछ था एंड तो बुलाया था एंड देन आई वेंट दे वेरी ओल्ड मैन 98 एट hmm. ओल्ड। hmm. तो राम जी की कृपा है तुम पर सो आई वॉज वेरी ऑनेस्ट आई से बिल्कुल नहीं hmm? मैं तो बिल्कुल नहीं प्रे करती राम hmm. जी को सो दे इज नो क्वेश्चन ऑफ़ राम जी की कृपा आई जस्ट गॉट द रोल बिकॉज एम ए गुड एक्टर नहीं नहीं राम जी की कृपा है अभी अट्ठारह साल की लड़की के साथ आप ऐसी बात ah. करोगे तो यू नो हाउर आंसर्स आ एंड आई से आई ओनली प्रे टू जलाराम हु इज माई गुरु अच्छा माई

And मैं शूटिंग में भी टू सिट फॉर माई मेकअप एंड ऑल अगर एक एक घंटा मेकअप लगता है तो मैं वो माला लेके चुपचाप चाप जलाराम 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 करती है अदरवाइज वो प्रोडक्शन के लोग आते हैं या मेकअप you know? है हाँ। यूनिट की गॉसिप चलती है इसने ऐसे बोलते उसने ऐसे बोल दिया सो आई से द बेस्ट वे इज माला लेके बैठो तो यू नो आउट ऑल द एक और बात देखिए आपके में हाँ। राम तो तो शामिल थे ही। ही exactly. क्योंकि जेला राम, जेला जला राम। जला राम, <laughs> जला राम, राम। राम, राम। राम मुझे ये तो ये कभी मतलब ये था ही नहीं कि I'm praying to Ram. मेरे आज भी when I see, I see my guru, I see मैंने की मूर्ति कभी मेरे जहन में नहीं आई जैसे लोग राम लक्ष्मण सीता को याद करते हैं मैंने हमेशा राम देखा चाइल्ड और वो अभी भी लाइक और गेटिंग इन कार यू नो ये हो जाता सो सो बिकॉज़ बिकॉज़ माय 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 सेकंड ऑफ भक्ति तो अभी लोग आ, मैंने तो अपनी शूटिंग में देखा हिंदुत्व की अभी लोग आपको देखते हैं तो उनके हाथ जो जुड़ जाते हैं और वो एक आस्था के साथ हाँ आपकी तरफ देखते हैं जी 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 अभी भी ये तो बहुत ही होता है आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड क्यों बट ये है कि मुझे कभी भी ये एक्टर uh, वाली फीलिंग ही नहीं आई कि मैं एक्टर हूँ हालांकि मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ कि आई एम एन एक्टर एम एन एक्टर बट

You know पैर पैर लागू मतलब मेरे से बड़े हो मेरे से छोटे हो एयरपोर्ट पे हो एवरीवेर यस yes. अभी भी विद द ग्रेस ऑफ़ गॉड पीपल स्टिल नहीं वो कृपा तो बनी हुई हाँ हा, बनी हुई है एंड लोग अभी भी याद करते हैं पहचानते भी हैं हमको ऐसा लगता है कि यू नो इतने लोगों के बीच में कैसे आके आप पैर छूते हो। आपको शर्म नहीं आती होगी बट उनको नहीं आती है उनकी उनको इतनी आशा है अपने भगवान भगवान पर कि और 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 वो 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 हम में में में। देखते हैं। में और मुझ आके पैर छूते बहुत ही बुरा था जी लेकिन उसमें कुछ अजीब बातें भी हुई जो कि कुछ अच्छा you know, kind of तो। लोगों मतलब के लिए मैं कहूंगा कि एक uh, you know, भाव के लिए uh, अच्छी थी कि रामायण और महाभारत दिखाए गए जी बिल्कुल तो एक जनरेशन जो कि मिस कर चुकी थी तो उसको वो देखने का मौका मिला मुझे मतलब कोविड बुरा तो था ही हाँ, हाँ, लेकिन उसकी कुछ अच्छाइयों पे अगर आप यू नो नजर डालें हुँ। तो उनमें से मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छाई थी मुझे लगता है जो नेगेटिविटी uh, कोविड uh, की है इट गॉट वाइप्ड आउट टू अ लार्ज एक्सटेंड बिकॉज ऑफ रामायण वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंड आई वुड आई वुड पुट इट लाइक दैट एंड आई थिंक ये मास्टर स्ट्रोक था मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे पी ने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला कि हु वुड थिंक कि आदमी अट्ठाईस दिन या उस टाइम पे तो वो गारंटी भी नहीं था ना कितने दिन रहने वाला है लॉकडाउन रहने, रहने वाला तो उन्होंने रामायण शुरू कर दो तो पब्लिक विल बी एंटरटेन सो ही टुक केयर ऑफ यू नो देर मेंटल हेल्थ एंड ही काइंड ऑफ स्टार्टेड दिस दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू द पीएम थिंक्स कि ये कुछ आध्यात्मिक यू नो पॉजिटिव वे से या कोविड लोग नेगेटिविटी में से दूर हो जाए मेंटल हेल्थ भी उनका ठीक रहे पर अनफॉर्चुनेटली हमको किसी को पता नहीं था उनको भी नहीं पता था किसी को नहीं पता था कि इतना लंबा चलेगा सो दैट्स अबाउट इट बट आई थिंक द फर्स्ट राउंड सबके लिए बहुत कंफर्टेबल रहा एंड आई थिंक थैंक्स टू द पी एम कि रामायण आया फिर महाभारत आया फिर तो सब सीरियल्स आई सो पीपल है वेरी अपबीट मूड पॉइंट ऑफ बींग एट होम जब भी आप थोड़े लो हैं, हैं, कुछ आध्यात्मिक देखिए <laughs> कुछ राम जी की uh, वो कर लीजिए कल्पना कर लीजिए पूजा कर लीजिए और आप पॉजिटिव हो जाएंगे <laughs> नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ये मानती हूँ मेंटल हेल्थ के लिए तो अभी राम मंदिर बन रहा है तो आपको खुशी तो बहुत होगी बहुत बहुत। <laughs> क्योंकि राम जी के साथ सीता जी भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। fact, मैंने मूर्ति देखी थी राम जी की अकेली ही मूर्ति तब मैंने मैसेज भी भेजा था मैंने कहा राम जी अकेले नहीं हो सकते सीता मैया होनी चाहिए <laughs> मैंने कहा सिया राम से सिया राम कंप्लीट होते हैं बिल्कुल <laughs> <Yes. laughs> आपने दीपिका जी फिल्में वगैरह भी की तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आई डिड so मैंने ऑलमोस्ट uh, मतलब लोगों को पता भी नहीं है उनको लगता है मैंने सिर्फ रामायण की हैं तो मैंने ऑलमोस्ट 50, 60 फिल्म्स की हैं इनफैक्ट मोर होगी अभी तो राजश्री प्रोडक्शन के मिया ब्रेक राज किरण थे उसमें उसके बाद तीन चार पिक्चर है तीन पिक्चर आई थिंक राजेश खन्ना जी के साथ की हैं एंड आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि मैंने जितनी रीजनल फिल्म की हैं जैसे अगर मैंने कलकत्ता में की तो मैंने प्रसन्नजीत के साथ की वो इज द सुपर स्टार देयर इवन नाउ ही बिग टॉपुश पॉल अगेन अटार फिर जब मैं साउथ गई देन आई वर्क विद अम्बरीश आई डिड विद अर्जुन आई डिड विद शिवाजी गणेशन मामुटी प्रभु सो आई हैव वर्क विद द बेस्ट ऑफ पीपल वेन आई डिड माई रीजनल मूवीज इवन गुजराती मैंने दो की थी उसमें मैंने नरेश कनोडिया के साथ की एंड देवर ऑल सुपर डुपर हिट्स वेरी वेरी लकी वेरी ब्लेस्ड कि अच्छे रोल्स मिले मुझे रीजनल्स में एंड टॉप प्रोडक्शन हाउसेज एंड द बेस्ट को स्टार्स लाइक उस टाइम के जो नंबर वन कोस्टार होंगे सो इट वॉज दैट वे सो इट वॉज़ वेरी गुड एंड क्यों मैं क्यों रीजनल्स मैंने की क्योंकि हिंदी फिल्म का जो दौर था उस वक्त दे वॉन्टेड हीरोइन जो वो पेड़ के पीछे घूमे फ्रॉक्स पहने uh, ड्रेसेस पहने यू नो दो काइंड ऑफ टिपिकल एरा चल रहा था सो आई नो के मैं अपनी इमेज चेंज नहीं करना चाहती हूँ एंड आई वुड फिटिंग मेरी साड़ी लंबी लंबे बाल चोटी यू नो बिंदी सिंदूर वो टाइप की जो मेरी इमेज है वो ये सब रीजनल मूवीज में इट वाज वेरी कंफर्टेबल सो दे वर वेरी कंफर्टेबल एंड आई वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल सो आई थिंक इट वर्क वेरी वेल हाउ वाज इट वर्किंग विद राजेश खन्ना जी राजेश खन्ना जी वॉज सरप्राइज फॉर मी बिकॉज इतने डाउन टू अर्थ एंड इतने uh, अच्छे ह्यूमन बींग आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू अफकोर्स ही टुक मी लाइक अ यंगर सिस्टर और अ डॉटर और आई डोंट नो हाउ एंड ही वुड सिट पेशेंटली एंड टॉक एंड देर वॉज दिस मूवी दैट वी डिड जिसमें मै माधरी वॉज ऑल्सो देर एंड देर वॉज दिस रोल विच इज़ वेरी दैट हजबैंड वाइफ एंड द थर्ड पर्सन आई प्लेड हिज वाइफ एंड यू नो ही वुड टीच कि नहीं इसको ऐसे करो इसको ऐसे करो एंड देन ही से देखो वेन यू हैव एनी वीक पॉइंट You know, this is how you cover it up.

ऐसे अच्छे बड़े एक्टर्स हो या कोई भी हो डेक्टर हो उनके साथ जब काम करते हो देन देर इज अट लर्न सों इट वॉज टू डिटर इज मैरिड टू माई कजिन माई माई मासी फैमिली एंड माई मोमेज हमेशा से हमेशा से कि ये जो लड़का है ना वो परफेक्ट है तुम्हारे लिए अच्छा या ऑलवेज एंड आई नेवर बिलीव्ड हर आई मीन यू नो एज अ चाइल्ड वुड यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड एंड आई आई नेवर बॉड एंड देन वन फाइन डे मॉम इज़ लाइक सब बच्चों की शादी हो रही है सिर्फ मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही आई वॉन्ट यू टू गेट मैरिड एंड देन माई डैड कम्स एंड टेल्स मी आई डोंट केयर हाउ फेमस यू आर जस्ट गेट मैरिड नाउ मॉम इज इटेटिंग मी टू मच आई नहीं बट आई डोंट वॉन्ट टू मैरी आई हैव अ करियर एंड You know, उसी टाइम पे बीजेपी जल्दी शादी कौन करता है जिसके पास करियर नहीं, नहीं होता, होता है घर <laughs> <laughs> you know, पे अगर बैठा है बच्चा तो भाई क्या करो तो भाई शादी करके यू you नो know, भेज दो i said i have a career i don't want to marry and uh, i don't know events took place and uh, for some reason there were three four people from their side also who heard by you know ki shadi karwani unko, and uh, somebody just got us introduced so we met on the 28th april uh, us time pe holiday in Hua tha, Chuhu mein. so I went with a common friend he came with his common friends and uh, then they left after 10 15 minutes and I remember ordering tomato juice because I, those days I used to love having a tomato juice so he thought this was very fancy so he said me cappuccino because us time pe cappuccino was very fancy and uh, then uh, we sat and we chatted and uh, I think in two hours I it just changed my mind Achha. yeah just two hours

चौबीस घंटे I mean, uh, yeah, में आई मीन आई वॉज एमंड नहीं नहीं शादी नहीं करनी है कौन uh -huh. शादी करता है एंड जस्ट uh, yeah, uh, मैं think... तो थोड़ी देर के लिए उनसे आपने तारुफ करवाया मेरा uh -huh. हिंदुत्व के प्रीमियर पर yes.

हाँ, yes. <laughs> he clicks the best picture but of course is uh, dying out of uh, patience with me now because you know बहुत ज़्यादा हो गया है। Because because every day I need to be posting. He's like I cannot do this. I have work. <laughs> so. And uh, मुझे पता है कि आपकी दो बड़ी सुंदर बेटियाँ हैं। जी जी बिल्कुल या I have two daughters. वो <laughs> blessing continue uh, कर रही है आप सब पर touch wood. और मुझे लगता है कि एक बड़ा ही ब्लेसड करियर रहा लाइफ रही आपकी हिंदुत्व हमने साथ की तो उसमें गुरु माँ का रोल किया और जिन्होंने देखी नहीं उन्हें अब किसी ओ टी पे प्लेटफॉर्म तो देखने को मिल जाएगी और मुझे ऐसा लगा कि सीता माँ के बाद मैंने क्या दे सकता हूँ तो जब गुरु माँ का कैरेक्टर मैंने लिखा तो मुझे लगा अब यही हो सकता है क्योंकि सीता माँ गुरु माँ इस तरह का कैरेक्टर माँ का तो बहुत कमाल का वो कैरेक्टर आपने निभाया आ, बाकी तो लोग देख लेंगे हिंदुत्व रिलीज के वक्त थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में रही कि हमने भाईचारा क्यों दिखा दिया तो अभी आ, किसी आ, यूट्यूबर का स्टेटमेंट था जो कि बहुत फेमस है कि भाई आ, क्या करते डायरेक्टर मतलब क्या चाहते क्या थे आप लोग mm. वो सिविल वॉर करवा दें तो

एंड आई थिंक क्रिएटिविटी के साथ साथ टू नरेट अ स्टोरी अनफोल्ड अस्टोरी विच हैज़ पेट्रिटिज्म हैज़ सम कैरेक्टर लाइक गुरुमा जहाँ मतलब यू नो लोग uh, कुछ सीख भी रहे हैं इट वॉज़ नॉट जस्ट प्लेन एंटरटेनमेंट सीख रहे हैं समझ रहे हैं एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग यूनिटी इन अ गुड फैशन वेयर यू आर नॉट सेंगे ये बुरा है या, या ये अच्छा है हर कॉम में अच्छे लोग होते हैं हर कॉम में बुरे लोग होते हैं यू नो सो दैट इस नॉट द प्रॉब्लम

उठता नहीं उठता ना ये उठ रहा है बिकॉज वन इज हिंदू वन इज मुस्लिम एंड यू आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री वी आर नॉट लुकिंग आउट फॉर वॉर्स यू आर नॉट सो आई आई थिंक जो हुआ है परफेक्ट है एंड आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी आई नो देर इज अ लॉट ऑफ अग्रशन इन इंडिया एंड बहुत लोग ये आपको एग्रिवेट भी कर रहे हैं इस वक्त फ्रॉम बोथ द साइड्स बट आई थिंक कम्स अ टाइम वैन यू नो अग्रेशन ऑल्सो नीड्स टू सेटल डाउन Because we do not want war. We yeah. want peace. Because that's how Hindus are and that's how our country has lived. We want peace, but yes, we also want to live our life on our terms. So I think what you've done is fine. It's a very sensitive topic, but I think I don't want to uh, get too much into it. But yes, I think uh, Hindus have come to a point where they do not want to tolerate. But at the same time, I don't see any Hindu going out there and picking up war. दैट आई डोंट सी मेरी बस यही समस्या है मेरे साथ कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलरिज्म वर्ड हटा दो जी और हिंदुत्व से वसुधैव कुटुंब कम हटा दो क्योंकि अगर वसुधैव कुटुंब कम है हाँ. तो फिर वर्ल्ड इज वन फैमिली पूरा संसार, पूरा संसार पूरा संसार एक परिवार बेस्ड ऑन दैट उस पर बेस्ड है उस बेस्ड है तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि आप अपने जो आपका आपकी नीम है हिंदुत्व की आप उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं exactly. सही बात है मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिन्होंने दंगों में अब बहुत पीड़ा देखी है सही है उन्होंने बहुत अत्याचार भी यू नो देखा और सहा है लेकिन मैं फिल्म मेकर के तौर पे अगर आपको जख्म देकर चला जाऊं उस जख्म को हाँ. खोलकर उस पर मैं नमक मिर्च डालकर चला जाऊं तो समाज में क्या होगा नहीं नहीं यू कैन नॉट एड फ्यूल इन द फायर ये आप नहीं कर सकते हैं जो आपने कहा किया है आई थिंक टू मी आई थिंक इट वॉज द राइट अप्रोच आई सी इट लाइक आज एक और गेस्ट आने वाले हैं जिनका पॉडकास्ट आप बाद में शायद एक हफ्ते दो हफ्ते बाद देखेंगे तो वो गेस्ट से हम पूछेंगे क्योंकि वो बीजेपी में और आरएसएस में आ, काफी शामिल हो चुकी हैं तो मैं उससे भी जानना चाहूंगा कि उसकी राय क्या थी क्योंकि यही तो डेमोक्रेसी है कि सबकी राय चलनी चाहिए और सुननी चाहिए सुननी चाहिए, चाहिए।, चाहिए।, चाहिए। तो स्क्रीन पे राइटर और फिल्म मेकर के तौर पे मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने इतनी सारी लोगों की राय सुनी तो शायद जाकर मेरी कुछ आठ दस फिल्में हिट हुई कुछ पांच चार हिट हुए क्योंकि ये सारे लोगों को जब तक छुएगी नहीं बात तब तक आप कोई भी हिट नहीं बना सकते वेरी राइट इट नीड्स टू टच द हार्ट या नहीं नहीं सही बात है एब्सोल्युटली राइट यू नो दीपिका जी हम लोग <laughs> ये बकबक विद करण राजदान <laughs> जो है ना इसे एंड करते हैं <laughs> ये मेरे चचा जान हैं राजदान राज इनका तखल्लुस है ओके okay. तो हम हमेशा एंड करते हैं इनकी शायरी से अच्छा <laughs> ओके okay. <laughs> <laughs> मेरा ख्याल यही किताब है राज दिल ओके okay. और इनके कुछ शेर मैंने आज मार्क करके रखे थे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैंने सोचा कि सुनाना चाहिए आ, जरूर, आप जरूर सुनाए <laughs> नोश फरमाएंगे सब माओ की माँ है ये कुदरत कैसे सब माओ की माँ है ये कुदरत कैसे कैसे दुख नहीं सहती कुछ भी कर लो ये बेचारी चुप रहती है कुछ नहीं कहती सब बाहों की माँ है ये कुदरत कैसे कैसे दुख नहीं सहती कुछ भी कर लो ये बेचारी चुप रहती है कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम कोविड की भी बात कर रहे थे हाँ, हाँ। तो वो हमारी इस कुदरत हमारी इस पृथ्वी की एक पुकार थी जी, बिल्कुल कि इतना भी नहीं कि मैं जो है जी न पाऊं जी हां वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी रेलेवेंट वेरी रेलेवेंट दीपिका जी एक और सेक्शन हमारे इसमें होता है अच्छा कि आर को गुस्सा क्यों आता है अच्छा क्योंकि कई फिल्में हमारी मुझे तो ये भी लगता है कि हिंदुत्व भी मैंने गुस्से में लिखी और गुस्से में बनाई अच्छा तो आपको किसी बात पे गुस्सा आता है किसी सोशल इनजस्टिस पे या किसी भी लॉट ऑफ थिंगस बहुत सारी चीज़ें होती गुस्सा तो आई वुड नॉट से बहुत शार्प वर्ड है बट uh, मैं नाराज़ हो जाती हूँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन जस्टिस टू वेमेन चिल्ड्रेन एनिमल्स डॉग्स मतलब बेसिकली yeah, मुझे इनजस्टिस से प्रॉब्लम हो जाता है मतलब uh -huh. अगर आप कहीं पे भी इनजस्टिस करते हैं तो आई फील इट्स नॉट करेक्ट गीता में दस इस लाइन वेच कृष्ण भगवान से अन्याय सहना भी पाप है और अन्याय करना, करना भी, भी, भी पाप है सो आई रियली बिलीव इन दैट वन लाइन माई लाइफ के बी फेयर इन लाइफ चाहे वो फैमिली के अंदर हो चाहे सोसाइटी के अंदर हो वाइफ हो हजबेंड हो डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड डोंट बी मीन टू दैम क्योंकि आज तुम्हारा टाइम है कल किसी और का आएगा गुजराती में दर इज अन वारा फरती वारो तारा पछी मारो मतलब देर इज अ कॉन्स्टेंट साइकिल विच मूव ऑन आज तुम्हारा येस आज तुम्हारा समय है तो कल मेरा होगा सो बीज बी माइंडफुल अबाउट वॉट यू डू एंड यू टॉक so i think that's very important you know look uh, ho nahi ho you know but they tend to especially when you become very big in life you know they're not courteous they're not nice to you or whatever i've seen a lot of people around like that i feel it's not done it's not right you you need to uh,

कि इंसान के प्रति अगर अन्याय हो रहा हो हाँ। तो मैं जाके समझा सकता हूँ निपटा सकता हूं, हाँ। सकता हूं। हाँ। लेकिन अगर किसी जानवर के प्रति या हाँ। पक्षी के प्रति अन्याय हो रहा हो तो, तो मैं हिंसा पे हाँ। उतर सकता हूँ हाँ। सिर्फ तब मुझे बहुत गुस्सा आता है मतलब आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट मुझे बहुत बहुत शुक्रिया करना है आपका कि आप इस बगबग में शामिल हुई। <laughs> Thank you. मुझे आपका ये नाम बहुत पसंद आया बकबक आई होप मेरी मेरी बातें बगबक ना लगी हो <laughs> क्या है बगबक की आड़ में हम कुछ इतनी सारी गहरी बातें कह जाते हैं <laughs> जो कि अगर शो का नाम होता टू तो बी सीरियस विद करण राजदान तो शायद कोई नहीं देखता, <laughs> तो कोई नहीं देखता। <laughs> yes, true, true. और फिर ये ज़रूर है कि कोशिश करता हूँ कि हंसना आसाना हो तो वो बकबक बक जो है वो काम आ जाती है और कमाल की बात है दीपिका जी ये वर्ड भी मेरी मम्मी से आया है क्योंकि बचपन में जब भी मैं ज़्यादा अच्छा। बोलता था बचपन क्या मतलब आखिर तक अच्छा। जब भी ज्यादा बोलता था वो मुझे कहती थी चुप रह बकबक बंद कर अपनी ऑब्लि <laughs> <How lovely. laughs> तो मैंने अपनी माँ की याद में मैंने कहा कि बकबक विद करण नौस्थान रख देता हूँ <laughs> ताकि हर बार जब इसका नाम लूंगा शो का तो मम्मी याद आती रहे यस वेरी नाइस और उनके आशीर्वाद रहेंगे हमेशा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड होप एट सर्टेन स्टेज Uh, जब हम कुछ नया करेंगे जैसे हिंदुत्व पार्ट टू yes. तो हम फिर दोबारा इसी शो में मिलेंगे और उसकी बातें करेंगे एंड विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू सच ऑफ थैंक यू थैंक यू बाय